दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। जनता नगर वैशाली नगर निवासी पुरुषोत्तम धर्मानी ने रिपोर्ट दी थी कि सर मैंने ओएलएक्स पे मेरा कंप्यूटर बेचने के लिए मैंने उसमें ऐड दिया था। किसी नंबर से उसके पास फ़ोन आया और उसने बताया कि ये कंप्यूटर मैं आपका 12,000 रुपये में ख़रीद रहा हूँ, तो आप अपना पेटीएम अकाउंट बताइए। जब उसने पेटीएम अकाउंट बताया तो उसने 5,000 रुपये डाल दिए। उसके बाद में उसने कहा कि मैं लगातार आपको पेटीएम कर रहा हूँ लेकिन आपका अकाउंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यह कह के उसने कहा कि मैं आपको एक QR कोड भेज रहा हूँ, इसको आप स्कैन करके अपने उसके मोबाइल से स्कैन करें। जब उसने उस QR कोड को स्कैन किया तो स्कैन करने के पश्चात उसको कई टुकड़ों में उसके करीब 61,000 रुपये उसके खाते से डिडक्ट हो गए। इस पर इसने एक मुकदमा दर्ज कराया और अपन ने इसमें ठगी में इसका मुकदमा दर्ज किया है। मैं हर बार लोगों से यही अपील करता हूं कि इस तरह से जो ऑनलाइन जो भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं या ऑनलाइन जो ठग जो फिशिंग कॉल करते हैं उनसे वो बचे। किसी भी प्रकार के अनावश्यक और अनजान जो कॉल्स आते हैं उनसे वो बचें और उनके जो कहे अनुसार कुछ भी कार्रवाई नहीं करें, न कोई अनजान लिंक पे वो क्लिक करें और न ही किसी QR कोड को स्कैन करें। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आजकल जो दूसरी जो ठगी हो रही है कि फेसबुक मैसेंजर से जो अपने रिश्तेदारों को बेच के जो पैसे मांगते हैं, उसके लिए मेरा निवेदन यह है कि जितने भी हमारे पास ग्राहक आए हैं, जो भी कस्टमर जो परिवादी आए हैं, उन्हीं लोगों के साथ ठगी हो रही है जिन्होंने अपना पासवर्ड अपना मोबाइल नंबर डाल रखा है। तो अपना फेसबुक अकाउंट से उस पासवर्ड चेंज करें और अपना मोबाइल नंबर कभी भी वो अपना पासवर्ड नहीं रखें।